आज का जो वीडियो है हमारा, मैं इसमें आपको बताऊंगा कि कॉलम प्लान कैसे बनाना है और कॉलम कहाँ देना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये मेरा 25 बाय 50 फुट का प्लान है जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे आ रहे हैं 18। अब देखिए, सबसे पहले तो जो गेट हमारा लगता है, हमें उस पे दोनों साइड के कॉलम देना है, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। उसके बाद आ जाइए, देखिए, एक कॉलम यहाँ देना पड़ेगा हमें, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। जी हाँ, ये कॉलम हमारा इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि स्टेयर्स का लोड इसी पर पड़ेगा। अगर हम ये कॉलम नहीं देंगे तो है जो हमारा डिस्टेंस, देखिए, इस कॉलम से इस कॉलम के बीच करीब हो रहा है 18 फुट 7 इंच, जो कि कभी नहीं होना चाहिए। कॉलम का डिस्टेंस मैक्सिमम 15 फुट लेना है, उससे ज़्यादा कभी नहीं लेना है, याद रखिएगा ये बात। इस वजह से मैंने यहाँ पर ये कॉलम दिया हुआ है। अब देखिए, 3 कॉलम यहाँ पर दे रखे हैं। देखिए, ये कॉलम मैंने इसलिए दे रखा है, इसकी पहली बात तो ज़रूरत भी है और दूसरी बात, हमारे जो गेट लगेंगे उसके होल पास इसी से होंगे, जहाँ जहाँ गेट आएगा कॉलम। जैसे देखिए, ये वाला कॉलम है, यहाँ भी हमारे होल पास होंगे और गेट आएगा, गेट अंदर ही खुलेगा हमारा। अब देखिए, ये जो येल्लो वाले आप येल्लो पॉइंटेड देख रहे हैं आप कॉलम्स, ये 9 बाय 9 के दे रखे हैं मैंने। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी देखिए, इस कॉलम से लेकर जो हमारा आउटर कॉलम है लास्ट वाला, उसका डिस्टेंस 18 फुट 5 इंच हो रहा था, जो कि टेक्निकली गलत है। तो इसके लिए ही मैंने यहाँ पर 9 बाय 9 के 2 कॉलम दे रखे हैं दोनों साइड। इसका एक ऑल्टरनेट ये है, जो हमारे कॉलम्स हैं रेड वाले, ये सारे 9 बाय 12 के हैं, 9 बाय 12 इंच के। इन 4 कॉलमों को अगर हम 9 बाय 14 इंच का कर दें तो इन दोनों कॉलमों को देने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये जो बीच के कॉलम है, बीच में कॉलम ये दे रखा है एक। अब देखिए, कॉलम मेरा जो है, इसमें मैं प्रीफर आपको करूँगा कि मज़बूती के लिए आप कॉलम के जो आउटर कॉलम है जितने भी हमारे सारे, इनमें 12 mm का सरिया लगाइए। जी हाँ, 12 mm का सरिया, 6 रॉड, और रिंग जो स्टिरअप्स हमारी होती हैं वो हमारी 8 mm के स्टील से होनी चाहिए, ताकि वो अर्थक्वेक का लोड बियर कर सकें इन केस कभी ऐसा होता है तो। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, सबसे ज़्यादा लोड है जो वो हमारे बीच वाले कॉलमों पर आता है, जो ये वाले कॉलम आपको दिख रहे हैं ना, इन पर हमारा सबसे ज़्यादा लोड रहता है। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा मेरी, कि जैसे इसमें अगर आप 4 सरिये 12 mm के और 2 सरिये 16 mm के, या फिर 16 mm के 4 सरिये 12 mm के 2 सरिये अगर आप डालते हैं, तो ये कॉलम थोड़े ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे और लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्योंकि देखिए, अगल बगल ये जो है, इधर इसके लेफ्ट में मकान बना हुआ है, यहाँ राइट में मकान बना हुआ है, पीछे मकान बना हुआ है, तो सपोर्ट तो मिल ही जाता है बिल्डिंग को, लेकिन सबसे ज़्यादा लोड इन बीच वाले कॉलमों को बियर करना पड़ता है। इसलिए मैं आपको अब कहूँगा कि इनमें 16 mm का स्टील यूज़ कीजिए आप, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेरा क्वेश्चन ये आता है कि ये कॉलम मैंने इस वॉल पर क्यों नहीं दिया। अब देखिए, एक क्वेरी आपकी शायद ये आ सकती है कि ये वाला जो कॉलम है वो मैंने इस वॉल पे क्यों नहीं दिया, इधर क्यों दिया। अब सुनिए उसका रीज़न। कॉलम हमारे ग्रिड के अकॉर्डिंग चलते हैं, एक अलाइनमेंट में चलते हैं। अब देखिए, ये जो कॉलम्स हैं मेरे, ये सारे एक ही अलाइनमेंट में हैं, ये 3, ये 3, ये 3, ये 3। मतलब देखिए, यहाँ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, सारे एक ही अलाइनमेंट में हैं, और ये वाले कॉलम भी देखिए इसी के सीधे में है। तो जो हमारा लोड है वो प्रॉपरली पूरी बिल्डिंग पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है स्लैब का, वो बीम से जाएगा, बीम से कॉलम पे जाएगा, और कॉलम से फुटिंग पे, और फुटिंग से फाउंडेशन पे। तो हमारा लोड बहुत ही प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। और देखिए, एक चीज़ ये भी है, हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि जहाँ वॉल है हमें कॉलम वहीं देना है, नहीं। अगर आप, अब देखिए, ये जैसे फॉर एग्जांपल, यहाँ मैंने कॉलम दे रखा है पीछे और वॉल मेरी ये है, तो
तो इसका एक एडवांटेज ये है कि ये जो वॉल मेरी 4 इंच ही रहेगी, ये 9 इंच में इनबिल्ट होके चलेगी, 9 इंच में ये इनबिल्ट होके चलेगी, तो इसमें ज़्यादा पकड़ रहेगी और क्रैक्स नहीं आएंगे। अब देखिए मेरी ये वाली जो वॉल है, ऐसे केस में क्या होता है, हमें मुर्गा जाली लगानी होती है, तो जो लोड है वो हमारा कॉलम स्लैब का जो लोड है हमारा वो बीम से जाएगा, बीम से कॉलम पे जाएगा और कॉलम से फुटिंग पे और फुटिंग से फाउंडेशन पे, तो हमारा लोड बहुत ही प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। और देखिए एक चीज़ ये भी है, हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि जहाँ वॉल है हमें कॉलम वहीं देना है, नहीं। अगर आप अब देखिए ये जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने कॉलम दे रखा है पीछे और वॉल मेरी ये है, तो इसका एक एडवांटेज ये है कि ये जो वॉल मेरी 4 इंच ही रहेगी, ये 9 इंच में इनबिल्ट होके चलेगी, 9 इंच में ये इनबिल्ट होके चलेगी, तो इसमें ज़्यादा पकड़ रहेगी और क्रैक्स नहीं आएंगे। अब देखिए मेरी ये वाली जो वॉल है, ऐसे केस में क्या होता है, हमें मुर्गा जाली लगानी होती है ताकि क्रैक्स ना आए, पर अगर आप मुर्गा जाली नहीं लगा पा रहे हैं, थोड़ा एक्सपेंसिव अगर हो रहा है, तो आप कॉलम पे चिपिंग करवा दीजिए और बीच बीच में सरिये डलवा दीजिए इधर 4 इंची की वॉल पे, तो क्रैक्स अवॉइड कर सकते हैं। पर सबसे अच्छा तरीका यही है, मैं बताऊंगा कि जो वॉल्स हैं हमारी वो 9 इंची 4 इंची की जो वॉल्स हैं वो 9 इंची में इनबिल्ट हो जाएं, ताकि क्रैक्स कभी नहीं आएंगे और आपको मुर्गा जाली भी नहीं लगानी पड़ेगी। अब देखिए कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस देख लेते हैं एक बार, देखिए ये मेरा 12 फुट है, ये भी मेरा 12 फुट है, तो टेक्निकली हम ठीक चल रहे हैं। अब यहाँ तो मुझे दिखाने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब देखिए ये वाला कॉलम है मेरा और ये वाला कॉलम है, ये 14 फिट 8 इंच है, तो 15 फुट से ज़्यादा नहीं जा रहा है, तो इसकी भी ज़रूरत नहीं है। अब देखिए इसको देख लेते हैं, ये भी हमारा 13 फुट जा रहा है, तो कोई इशू नहीं है इसका भी। अब देख लीजिए यहाँ पर हम देख लेते हैं इस वाले कॉलम से लेके इस वाले कॉलम, ये भी हमारा करीब वही 11.5 11 फुट 9 इंच जा रहा है, तो ये भी कोई इशू नहीं है। तो इसी तरीके से हम कॉलम प्लान बनाते हैं। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो अगर पसंद आया और आपको थोड़ा लगता है कि कुछ सीखने को मिला इससे, तो प्लीज़ लाइक कीजिए मेरे वीडियो को एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल।